गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है सतेंद्र सिंह और मैं उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में रहता हूँ। ये मेरा पहला ब्लॉग है, उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी चलते हैं छत पर, देखते हैं मौसम कैसा है, दिखाते हैं आपको छत का व्यू कैसा है। मेरी छत भगवान श्री नारायण देव निकल रहे हैं, दर्शन कीजिए आप सब लोग। अभी नवंबर आ गई, काफ़ी ठंड भी हो गई है, मौसम कुछ इस प्रकार है सुबह का। देखिए सर्दियां काफ़ी तेज़ी से आ रही हैं, मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है। चलिए चलते हैं नीचे और दिखाते हैं आपको नीचे का व्यू, इतने नीचे कौन कौन उठ गया है, क्या क्या कर रहे हैं सभी लोग। ये मेरी मम्मी है, ये चाय बना रही है। ये मेरी मम्मी है, चाय बना रही है और घर में भी कोई नहीं उठा है। देखो जरा, जिसको चाय पीनी आ जाओ। बाकी सब लोग सो रहे हैं अभी तक, दिवाली आ गई है, साफ सफाई करनी पड़ेगी घर की, अभी तो पूरा घर ऐसा ही पड़ा है। बोलो कुछ, क्या बोल रहे हैं? राम राम कर लो सबसे। राम राम, नमस्ते, जय भीम। और इसको भी चाय पी के आ जाओ। सभी तबीयत सही नहीं है, डेंगू चल रहा है और सबके लिए मुनक्खा गर्म कर करके दे रहे हैं और चाय भी बन रही है। जिस किसी को जल्दी पीनी हो वो आ जाए हमारे पर। तो गाइस, जिसको चाय पीनी आ जाओ हमारे घर पे। ये मेरी दुकान है, फाइनली गाइस दीपावली की सफाई चालू हो चुकी है, सफाई स्टार्ट कर दी। देखो ये प्रिंस किताबें निकाल रहा है, प्रिंस के साथ में दिव्यांश, बच्चे सफाई कर रहे हैं। ये ठीक से करो, किताबें सब एक साइड रखना और अत्यधिक को एक साइड रखना, ठीक है। और यहाँ मम्मी जी किचन में सफाई कर रही है, किचन है हमारा, किचन में सफाई हो रही है। इतना बड़ा घर है, अकेले तो कोई कर नहीं सकता, ऐसे ही सब लोगों को लगाना पड़ा है। बच्चे भी लगे हैं, मम्मी भी लगी हैं और मैं भी लगा हूँ। फिर भी 2 दिन लगेंगे, 2 या 3 दिन लगेंगे सफाई करने में। भैया खाने में बन रही है आज पानी की रोटी और प्याज की आल, जिसको भी खानी है आ जाओ। चूरी भी बन रहा है खाना भैया, ठंड आ गई है, अब शाम का खाना चूरी बना करेगा और बाकी तो गैस पे बनता ही है। चूल्हे के खाने की बात ही कुछ और है, जिसको भी खाना भी आ जाओ। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, ये मेरा पहला ब्लॉग था, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आएगा और मुझे सपोर्ट करेंगे। पहला ब्लॉग था, सबसे तो ब्लॉग अच्छा तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन जैसा भी आप लोग देख लेना, और बस आने वाले टाइम में ब्लॉग आपको बहुत बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं।